छब्बीस जनवरी है। अच्छा, और इसमें क्या क्या होता है आप ये भी बताइए। 26 जनवरी पर हमारा देश का संविधान लागू हुआ था बेटे। इससे पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन का जो संविधान बनाया हुआ था वो लागू था। उनके नियमों को हमें मानना पड़ता था। गुलाम था हमारा। हाँ, जब पहले हमारा आजादी मिली थी ना, हमको स्वतंत्रता मिली थी, उससे पहले जब अंग्रेज हमारे शासन करते थे, उसके बाद जब हमारा देश आजाद हो गया तो हमारे नेताओं ने अपना एक अलग संविधान बनाया तथा उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। और इसे दूसरे देशों में कैसे मनाया जाता है बेटा? इसको दूसरे देशों में नहीं मनाया जाता, ये हमारे देश का ही है। इसको केवल हमारे देश में मनाया जाता है और यह पूरे भारत में मनाया जाता है। इस दिन सरकारी इमारतों, स्कूलों पर झंडा फहराया जाता है और अपने देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में लाल किले पर भी झंडा फहराते हैं। उस दिन आपने देखा होगा टीवी पर कार्यक्रम भी होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। आपके स्कूल में भी तो कार्यक्रम होते हैं? हाँ, मैंने देखा है। हाँ, झंडा फहराते हैं और आपका राष्ट्रगान भी होता है, प्रोग्राम भी होते हैं, राष्ट्र और कार्यक्रम भी होते हैं। होते हैं नहीं होते हैं? आपने देखा है कि नहीं देखा है? हाँ, और बच्चे भी अपना परफॉर्मेंस देते हैं। देखते हैं कि नहीं देते? टीचर, सिस्टर, आपके स्कूल में भी तो मनाया जाता है? पापा और मम्मी, और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं इधर? 26 जनवरी पर? 26 जनवरी पर कैसे कैसे कार्यक्रम होते हैं? परेड भी निकाली जाती है उस दिन स्कूलों में, दिल्ली में, इंडिया में। आपके स्कूल में भी तो परेड निकलती है ना? लाल किले पर आपकी तीनों सेना होती है ना, आर्मी होती है, उनके द्वारा परेड भी निकाली जाती है, बच्चों के द्वारा भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं और उनको हमारे गणमान्य नेता व्यक्ति देखने भी जाते हैं वहाँ पे।